कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन क्या कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम जो सामने आए हैं, इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी और कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना। देखिए रिपोर्ट। देखिए, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव पूरी दमखम से लड़ती है और हमारा संगठन, हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ चट्टान के साथ के रूप में खड़ा रहता है। और निश्चित ही हम जहाँ पे हारे हैं, हम जीत से उत्साहित नहीं होते हैं और हार की समीक्षा करते हैं। जहाँ पे कुछ कमी रही है उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता ने जो जनमत दिया है उसको सबको स्वीकार करना है और निश्चित रूप से जहाँ पे हम हारे हैं वहां पे समीक्षा कर हम आगे बढ़ेंगे। रही बात आप मध्य प्रदेश के तारतम्य में जो कर रही हैं, हर 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 प्रदेश का अपना अपनी तासीर होती है, अपना अपना उसका वो होता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आप लंबे समय से 2003 से देखते हुए आ रहे हैं कि जनता भाजपा पर विश्वास कर रही है, भाजपा को ही आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हम उनकी जनता की जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। 2003 में जब हम जीत के आए थे, जो हमने अपने वादे किए थे उसमें जनता ने हमें आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि हम उनकी जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। कमोवेश यही बात 2008 में, 13 में और 18 में भी हम उसी उससे वोट परसेंट से कांग्रेस से आगे थे। पर 18 में वक्त थे बदलाव के साथ, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने झूठा झूठ छल कपट करके जनता से जो वचन लिए थे वो एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 में और 2024 में भाजपा प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराएगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो आज कर्नाटक में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने एक बनी बनाई सरकार को तोड़ा, खरीद फरोख्त की और गद्दारों के दम पर भ्रष्टाचारी सरकार चलाई, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है और ऐसा का ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पर फिर जोड़ तोड़ और गद्दारों के दम पर इन्होंने जो जनमत था, जो प्रजातंत्र था, उसको धता बताई, उसको उन्होंने लूटा और फिर एक सरकार बनाई जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो काम भाजपा कर रहे हैं उसका इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता करारा जवाब देगी और उनको सत्ता से बाहर कर देगी।